नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं एश टचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में जेंट्स कमीज की पूरी सिलाई करके दिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। हमारे बहुत से दोस्तों का कहना था कि जेंट्स कमीज की कटिंग और पूरी सिलाई करके दिखाइए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। सबसे पहले हम यह दिखाते हैं कि जेंट्स कमीज की प्लेकेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तो नॉर्मल वाले फ्यूजिंग लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल फ्यूजिंग करके ऐसे प्लेट को बैठा सकते हैं प्रेस से। अब यहाँ पे दोस्तों बटन वाले पट्टी को हम पहले बना लेते हैं, तो इस तरीके से बटन पट्टी हम बनाएंगे। अगर आप इस कमीज की कटिंग और सिलाई सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक लव की सिलाई से पहले फिनिश कर लेंगे ऐसे। बटन पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1/4 इंच भराव के साथ। चले अब हम काज पट्टी यानी फैशन पट्टी को तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ भी हम इस तरीके से लव की सिलाई से फिनिश करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग देना है तो नीचे वाले धागा को इस तरीके से खींच लेंगे और उसको बांध लेंगे ऐसे। इस तरीके से अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो ऊपर जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, इस तरीके से प्लेट को हम अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। जहां से हम प्लेट को तोड़े हैं वहीं से बैठाएंगे बिल्कुल। उसके बाद हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे ताबीज बांधने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो सीधा ताबीज बांध लें और चाहें तो क्रॉस में भी बांध सकते हैं, तो दोनों तरीके से ताबीज बांधी जाती है। 1 सेंटी का गैप देते हुए सिलाई हम लगाएंगे ऐसे। सिलाई हम यहाँ डबल लगाएंगे इसलिए कि यहाँ पे सिलाई टूटने की चांस होती है, तो इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए। चले अब हम पॉकेट की ओपनिंग और बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 2 सिलाई से बॉटम फोल्ड करके दिखाएंगे बिल्कुल बारीक। तो ऐसे हम पहले कच्चा कर लेंगे बारीक सिलाई से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे पॉकेट को ऐसे हम कच्चा फोल्ड कर लेंगे बारीक सिलाई से। अब यहाँ पे दोस्तों जो कुटका था उसको हम थोड़ा सा गहरा कर लेंगे एक सूत और। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे।
सरल और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम पक्का कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल बारीक होना चाहिए। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्ट्रेचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर इस तरीके से आप बॉटम फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और फोल्ड भी बारीक होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। चले अब हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम बिना पैटर्न का पॉकेट तोड़कर दिखाएंगे कि बिना पैटर्न से राउंड पॉकेट कैसे तोड़ते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हम डबल पॉकेट लगाएंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो राउंड पॉकेट को तोड़ने का ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो इस तरीके से दोनों पॉकेट को हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। इसमें पैटर्न लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना पैटर्न के तोड़ने के लिए यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे। ऐसे कुटका लगाने के बाद हम इसको प्रेस से अच्छे से तोड़ेंगे। चलें अब हम इसे प्रेस से इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रेस से हमने तोड़ लिए हैं पॉकेट को। इस तरीके से पॉकेट आप लगा सकते हैं। तो जितना पे हम आर्म होल की कटिंग किए थे, जैसे 8.5 इंच पे, तो 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच लेंगे नीचे वाले पॉकेट के लिए, सामने से 2 इंच लेंगे। आप चेस्ट के हिसाब से 2.5 भी ले सकते हैं। तो पहले हम नीचे वाले पॉकेट यानी छोटे वाले पॉकेट को अटैच करेंगे। चारों तरफ से डिस्टेंस देते हुए, ताकि ऊपर वाले पॉकेट जब हम लगाएं तो नीचे वाला पॉकेट ऊपर दिखाई ना दें। तो इस तरीके से हम लब की सिलाई से फिनिश कर लेंगे पॉकेट को। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं और आपके पूछे जाने वाले सवाल को भी बताते हैं कि आपको किस तरीके से सिलाई करना है और किस तरीके से कटिंग करना है। कटिंग या सिलाई करते समय आपको खास ध्यान देना होता है, जैसे कटिंग हम करते हैं तो कहाँ पे कितना शेप देना है, और सिलाई करते समय देखना होता है कि कहाँ पे हम किस कपड़े को लूज रखेंगे और किस कपड़े को टाइट रखेंगे। चले अब हम बैक प्लेट और शोल्डर अटैच कर लेते हैं। पहले हम बैक को सीधे की तरफ से रखेंगे ऐसे। उसके बाद हम दूसरे शोल्डर को भी इस तरीके से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जितना आपका प्लेट है, जितना हम उसमें एक्स्ट्रा प्लेट दिए हैं 1/2 इंच, तो ऐसे हम कुटका से कुटका मिलाएंगे ऐसे।
यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिएगा, जैसे आपको कमीज या प्लेट वाले शर्ट बनाना है तो पहले आप प्लेट को इस तरीके से तोड़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से प्लेट को तोड़कर शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और जब आप कमीज को या शर्ट को जब प्रेस करते हैं तो आपको बैठाने में भी प्लेट दिखते नहीं आती है। तो यहाँ पे हम ऊपर से शोल्डर में सिलाई नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम एक सिलाई से फिनिश कर लेंगे नीचे। बैक पल्ले को इस तरीके से उल्टे की तरफ से बैठा लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से जवाबी होना चाहिए, उल्टा सीधा दोनों को देख लेंगे, फिर हम एक ही सिलाई से शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप भी एक सिलाई से शोल्डर को ज्वाइंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़, आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। उसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम नीचे वाले पल्ले को ऐसे मिला लेंगे, उसके बाद दूसरे पल्ले को ऐसे हम मिलाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों एक सिलाई से शोल्डर ज्वाइंट करने का। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अगर आप दोनों पल्ले को आगे पीछे कर देते हैं तो शोल्डर जब आप बैठाएंगे तो वहाँ पे पिंचिंग नज़र आएगी। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से शोल्डर अटैच करें तो बिल्कुल बराबर फैब्रिक को रखें। शोल्डर को अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बहुत से शोल्डर में आप देखे होंगे कि बैक में फूला फूला सा दिखने लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों को इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद काज पट्टी को दो सूट माइनस करेंगे, ऐसे इतना ही दूर में हम शेप करके मिला लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं दो सूत काज पट्टी कम है। तो अगर आप इस तरीके से काज पट्टी को दो सूत कम करके बनाएंगे तो जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे पिंचिंग नहीं दिखती है। इस तरीके से बैक का प्लेट बैठेगा। अभी हम आपको पूरे कमीज को बैठाकर दिखा देते हैं कि इस तरीके से कटिंग करने से फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है और चारों तरफ से परफेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कितनी फिनिशिंग से अच्छे से बैठ गया है कमीज। यहाँ पे हम नाप कर दिखा देते हैं, जो काज पट्टी होता है जहाँ बटन लगाते हैं उसका सेंटर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर भी बराबर है। चलें अब हम साइड ज्वाइंट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे, फ्रंट पल्ले से हम फोल्ड करेंगे। फ्रंट पल्ले को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे बैक की तरफ। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे बारीक फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ लोट पोट भी कर सकते हैं। बैक में मार्जिन रखते हुए लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको कमीज की लंबाई नाप कर दिखा देते हैं कि जो तरीका हम इसमें यूज़ किए हैं कटिंग करने का वो परफेक्ट है या नहीं। तो 32 लंबाई चाहिए था हमें, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट 32 इंच कंप्लीट लंबाई तैयार हो चुकी है। चलें अब हम आस्तीन की चौकपट्टी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सिंगल चौकपट्टी को पक्का बनाकर दिखाएंगे कि सिंगल चौकपट्टी में पक्का कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम एक साइड का ऐसे हम बारीक फोल्ड कर लेंगे, ऐसे। फिर हम इस तरीके से चौकपट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों चौकपट्टी बनाने का। यहाँ पे हम फुटका लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से नाखून लगाने के बाद ऐसे हम यहां भी नाखून से तोड़ लेंगे ऐसे। अब यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्जिन बिल्कुल गुम हो चुका है। फिर हम ऐसे यहाँ पे नाखून से बैठा लेंगे या प्रेस से तोड़ लेंगे। यहाँ से मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे ताकि वहाँ पे हम जब ताबीज बनाते हैं उसका तो मोटा फैब्रिक ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों सिलाई हम लगाएंगे बिल्कुल कट तक, जहाँ तक हम कट किए थे वहीं तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे इसलिए वहाँ पे सिलाई टूटने की चांस हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों फिनिशिंग देख सकते हैं कि चौकपट्टी की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, अंदर से पक्का भी हो चुका है। चलें अब हम आस्तीन की साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ लोट पोट भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ ओवरलॉक से भी फिनिश कर सकते हैं, तो हम इसे ओवरलॉक से फिनिश करेंगे।
चलें अब हम ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। कफ कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका आप यहां देखेंगे। तो पहले तो हम ऐसे पैर की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। कफ अटैच करने से पहले यहाँ हम बराबर कर लेंगे ऐसे। बराबर करने के बाद थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे कुटका लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से कफ बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हम कफ को अटैच करेंगे। मार्जिन देख लेंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे बैठा लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ से मार्जिन छोड़कर ऐसे बैठाएंगे और जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम ऐसे प्लेट बना लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा नाप तोल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम प्लेट को नाप लेंगे। दूरी यानी कि दोनों साइड में प्लेट की दूरी बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करके इस साइड से ऐसे बैठा लेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऐसे हम प्लेट डाल देंगे उसको। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से जल्दी भी बनेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इस तरीके से आप सीधा राउंड और चौकोर कफ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
कफ बनाने के बाद आस्तीन चारों तरफ से कितने अच्छे से बैठ रही है। चलें अब हम आस्तीन अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम ऐसे नाप लेंगे, नापने के बाद यहाँ पे एक कुटका लगाएंगे सेंटर का। तो इसी तरीके से दोनों साइड में हम कुटका लगा लेते हैं सेंटर का, उसके बाद हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो पहले हम नाप कर देख लेते हैं इसका एरिया कि इस तरीके से कटिंग करने से एरिया परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आस्तीन और आर्म होल दोनों की एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। आर्म होल अटैच करते समय खास ध्यान देना होता है कि किस फैब्रिक को हमें लूज रखना है और कहाँ पे हमें टाइट रखना है। तो जहाँ पे उरेव कपड़ा होता है उसे हम लूज रखते हैं और जहाँ पे सीधा तार होता है उसको हम खींच कर चलते हैं। तो अगर आप इस बातों को ध्यान में रखते हुए आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसमें नम नहीं दिखेगी आपको। नीचे वाला फैब्रिक सीधा है और ऊपर वाला उरेव है, तो उरेव को हम थोड़ा सा लूज करके चलेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम टाइट करके चलेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आस्तीन अटैच करने का। अब यहां देख सकते हैं नम आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से दूसरे आस्तीन को भी हम अटैच कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। आस्तीन अटैच करने के बाद हम ओवरलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरलॉक हो चुकी है। अब हम पॉकेट बना लेते हैं और पॉकेट लगा लेते हैं साइड वाले। यहाँ पे हम कम से कम 150 छोड़कर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हम 150 छोड़कर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप हल्का कुटका लगा लीजिए और नहीं तो इसे ओवरलॉक कर लीजिए, इसलिए कि यहाँ से धागा निकलने का चांस रहती है। फिर हम यहाँ पे लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे ऐसे। कमीज या कुर्ते की पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉकेट में फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चलें अब हम कॉलर तैयार कर लेते हैं। कॉलर कच्चा करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि कॉलर की पेस्टिंग से कम 1 mm बाहर सिलाई होनी चाहिए। धागा लगाने के लिए पेस्टिंग से एक टांका पहले हम नीडल को नीचे लेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 2 से 3 सूत, दोनों साइड में हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर हम एक सेंटर की कुटका लगाएंगे ऐसे। कॉलर और बैंड पट्टी की कुटका हम मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे ताकि उसकी ठोका छोटा बड़ा ना हो। फिर हम इस तरीके से बैंड पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बैंड पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे एक उंगली को नीचे और एक उंगली को बीच में रख के ऐसे सिलाई लगाना है आपको। इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप बैंड पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों गले को हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर हम गले को खींच कर नहीं रखते हैं तो वहाँ पे नम सा दिखने लगती है। तो कभी भी आप कॉलर अटैच करें या गले की कटिंग करें तो कॉलर से थोड़ा कम।
अगर आप इस तरीके से बैंड पट्टी की ठोका घुमाते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी भी बन जाती है। बैक गले में कुटका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैक गले में कुटका नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे नम सा दिखने लगेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो ठोका से शुरू करते हैं कॉलर को पक्का करना, तो ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी शोल्डर जॉइंट जो है वहाँ से आप अटैच करेंगे तो सेंटर आउट भी नहीं होगा और ठोका के पास फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। यहाँ पे ऐसे हम जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिखने लगता है ठोका के पास, तो ऐसे हम बैठा लेंगे। इस तरीके से कॉलर को कच्चा पक्का करके आप देखिए, सभी तरीके आप भूल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंड पट्टी कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हम कॉलर तोड़कर दिखाते हैं। अगर आप कॉलर कितना भी अच्छा बना लें, अगर सही से नहीं तोड़ पाएंगे तो कॉलर अच्छी नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरीके से आपको कॉलर को तोड़ना है। यहाँ पे आप प्रेस से अच्छे से तोड़ेंगे तो और अच्छा बैठेगा। अभी हम आपको ऐसे नाखून से बैठाकर दिखाते हैं। इस तरीके से जेंट्स कमीज की स्ट्रेचिंग पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।